आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड। जनपद कन्नौज में एक युवक की खून से लथपथ लाश 26 जनवरी की रात को मिली थी, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्या में शामिल चाचा भतीजे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना ठटिया के इनायतपुर में उड़ीसा के रहने वाले उमा शंकर का शव खून से लथपथ मिला था। युवक की हत्या किसी धारदार हथियार से किए जाने की बात सामने आई थी। हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने 4 हत्या अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो मृतक उमा शंकर की गत्या अवैध संबंध की वजह से हत्या की गई थी। वही गिरफ्तार हत्या अभियुक्तों ने हत्या की बात कबूलते हुए शर्मिंदगी के चलते हत्या करने की बात कबूली है। सब गांव वाले कहते थे तुम्हारी चाची छिनरी है, वो जब तुम्हारे चाचा दुकान चले जाते हैं तो वो नाचती है, और इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया और उन लोगों को मना भी किया, वो लोग नहीं माने। हम लोगों ने प्लान बनाया, मेला गए, वहाँ से चाकू लाए और शाम को उसके घर गए। वो बैठे आग ताप रहा था, हम दोनों गए, उसका मुंह दबाया और चाकू से उसका गला काट दिया। चाचा ने पेट में चाकू भोंक दिए और मर गया। इसके बाद में हम लोगों ने खींच के अंदर डाला और वहाँ से आए, बाहर मग्गा बाल्टी रखा था, वहीं हाथ धुले। इसके बाद घर गए, कपड़े खून से सने थे, ले गए उनको गांव के बाहर बाग में जलाया और चाकू दोनों ले जाके कुएं में फेंका है। और इसके बाद घर आके 2-3 घंटे बाद कानपुर चले गए। साहब नहीं बेइज्जती सही गई, इसलिए कर दिया। इतने लोग थे तुम्हारे साथ? 2 ही लोग थे हम चाचा। आशीष की पत्नी से थे। आशीष इस बात का ऑब्जेक्ट करता था, इस बात को मना करता था। श्याम मोहन भी इस बात को कहता था, परंतु ये मृतक मानता नहीं था। इसी बात को लेकर के इनमें आपस में काफ़ी कहा सुनी भी हुई, क्योंकि मृतक उड़ीसा में काम करता था, ये लोग भी वहाँ काम करते थे। इसी दौरान ये घटना हुई तो मृतक यहाँ आ गया, कुछ उसको काम कराना था अपने मकान में, और उसी में इन लोगों ने एक राय होकर के इसको जो है वो ओवर पावर करके 2 लोगों ने हाथ पैर पकड़े और 2 लोगों ने इसको मार दिया। आज इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 4 अभियुक्तों को। समाचार ए टू जेड के लिए कन्नौज से राजा कटियार की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड।